नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नैव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। लेकिन भगवान ने क्या कहा, न बुद्धि वेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। कभी कभी आवेश होता है, वैराग्य का आवेश जिसको हो उसे दूर रहना चाहिए। किसी किसी को संन्यास का आवेश, जैसे भूत का आवेश हो जाता है ना, संन्यास का आवेश होता है। किसी को वैराग्य का आवेश, आवेश वालों से दूर रहना चाहिए। किसी को योग का आवेश, किसी को ज्ञान का आवेश, किसी को भूतावेश, किसी को प्रेतावेश। वैराग्य के आवेश में एक स्वामी वामदेव जी महाराज के गुरु भाई थे, संन्यास की दृष्टि से पुराने थे लेकिन जाट शरीर के थे, वामदेव जी महाराज ब्राह्मण शरीर के थे। एकांत में कहा कि ये जो संत आए थे ना, ये संन्यास की परंपरा थी वामदेव जी महाराज की कैलाश की, ये मुझसे पुराने सन्यासी हैं लेकिन पूछिए मत। युवक लोग जो विवाह कर चुके थे, घर छोड़वा के बर्बाद कर दिया। वैराग्य का आवेश भी तो खतरनाक होता है ना। वैराग्य के आवेश जिसको हो उसे दूर रहना चाहिए। अधिकार देखेगा नहीं, सबको घर छुड़ा देगा या विवाह नहीं करने देगा, ये वैराग्य का आवेश ठीक नहीं, भूतावेश की तरह। भक्ति का आवेश, क्या कर रहे हो इस प्रपंच से, घंटी डुलाना या नहीं, ये सब क्या करना, अग्निहोत्र इत्यादि छोड़ो ये सबको। भक्ति का आवेश, फिर ज्ञान का आवेश, सबको स्वहम बना देना, शिवहम बना देना। आवेश वाले वैराग्यावेश हो, ज्ञानावेश हो और योग का आवेश, सबको समाधि लगाना सिखा दो रामदेव बाबा। हाँ, उससे तो बर्बाद होगा ना व्यक्ति। अभी क्या हो गया है मालूम है, व्यापार तंत्र है। व्यापार तंत्र माने योग में व्यापार तंत्र घुस गया। यम नियम निरपेक्ष योग, मरेंगे या नहीं सब, यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया। जटिल घाटी बिना पटरी के रेल चला रहे, ये सब ये व्यापारी लोग हैं। यम नियम निरपेक्ष योग मार्ग चला दिया। वैराग्य और विवेक निरपेक्ष ज्ञान मार्ग चला दिया। वैराग्य विवेक भक्ति मार्ग चला दिया, भक्ति मार्ग भी चला दिया। ये सब कौन हो गए बड़े घातक। साधन चतुष्ट निरपेक्ष ज्ञान मार्ग चला दिया। बहुत बढ़िया एक महात्मा कहते थे, नाम नहीं लूँगा मेरे आस्थास्पद, आप सब इस समय हैं, सम आपके जीवन में है या नहीं, मन शांत है या नहीं, इंद्रियां शांत हैं या नहीं, दम है, भूख प्यास सर्दी गर्मी को रोक के बैठे हैं या नहीं, सब मिला के कहें कि साधन चतुष्ट संपन्न समय है या नहीं, ज्ञान लीजिए, मुक्त हो जाइए, अपने को ब्रह्म मानिए। और बम्बई में वो भी सबको जीवन मुक्त बना देते थे, धन तो खूब मिलता था लेकिन। गीता में क्या लिखा है, नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम। मेरे सामने वो प्रवचन कर रहे थे तो मेरे बाद ही होना चाहिए था। दूसरे दिन मैंने कहा ये शब्द कहाँ ले जाएंगे, नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग हुआ ना। ये प्रवचन सुनते समय वैराग्य हो गया तो नित्य कहाँ, नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम। तो ज्ञान में भी व्यापार घुस गया, सब जगह व्यापार, इन व्यापारियों से दूर रहना चाहिए, नहीं मार डालेंगे, ये लाभ कुछ नहीं हानि दे देंगे। निंदा में तात्पर्य नहीं है लेकिन वेदना है। योग मार्ग में व्यापारी घुस गए, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, सब जगह
हाँ राष्ट्रभक्ति में भी व्यापारी घुस गए, सब जगह व्यापार व्यापार व्यापार। चलो जी इतने बहुत हो गए, आ गए।